Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Devishish Pandya. I welcome you all to Prime Time with Devishish on our channel, jiska naam hai Judiciary World. A one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. Kaise hain aap log? Can we have a quick tech check? Am I clearly visible? Audio video clear hai? Shuru karte hain aaj ka session. Is audio video good? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? कोई मैसेज करके बता दो फटाफट से, मैं भी चेक कर रहा हूं. फिर वी विल स्टार्ट विद द सेशन. चलिए ठीक है, शानदार. ऑडियो वीडियो इज गुड, वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. सो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. बहुत सारे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं. डीजीएस का एग्जाम बढ़ चुका है अभी. हरियाणा के मीन्स की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है और वो डीजीएस के एग्जाम के साथ क्लैश कर रही है. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए. ठीक है, तो उनकी बात को भी अभी अपन देखेंगे एक बार लास्ट में. बट टॉकिंग अबाउट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते 10 दिन में अपन एक ऐसा मोटिवेशन सेशन या स्ट्रैटेजी सेशन रखते हैं जिसमें हम आपको ये समझा सकें कि आपको जुडिशरी की तैयारी किस तरीके से करनी है. और उसी सेगमेंट में आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. सो द आइडिया हियर इज दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि अपन ऐसे किस तरीके से अपने नोट्स बनाएं या उनको किस तरीके से फॉर्मुलेट करें कि हमारे जो एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो जाए. सो दैट इज द ब्रॉड डिस्कशन ऑफ द डे. सो लेट्स बिगिन विद अवर सेशन. सो माय नेम इज देवशीष पांडे. एज यू ऑल नो, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. इंपॉर्टेंट इज दिस गाइस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, कि कल 23 मार्च को आई एम कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ टीचिंग एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. सो आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम बिफोर ऑल्सो, बट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरा 23 मार्च कल 1 साल पूरा हो रहा है. और उस 1 साल जो पूरा हो रहा है उसको मार्क करने के लिए, उस एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए आई एम कमिंग अप विद लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशव नंदा भारती श्री पदवल गुरु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला टुमारो. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूरे जजमेंट को अच्छी तरीके से समझेंगे. सो आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टुमारो एट 8:30 PM ऑन अवर यूट्यूब चैनल. राइट, चलिए. ये हमारा MPCJ का प्रीलिम्स और मेंस बैच है जो अभी अभी 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है. उसके बाद होली की छुट्टी हो गई थी तो अभी बहुत ज्यादा इसमें क्लासेस नहीं हुई हैं, 3-4 क्लासेस ही हुई हैं. मतलब अब ये रूटीन में स्टार्ट हुआ है मंडे से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. अभी भी आपका कुछ ज्यादा छूटा नहीं है. ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ्स की है. ऑल द एजुकेटर्स ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस यूनिक बैच सेंटर्ड टुवर्ड्स द MPCJ मेंस एंड प्री एग्जाम. तो आप इसको देख सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPCJ या अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो. राइट, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ द डे. वीडियो को लाइक यार कर दो और कुछ कमेंट करके बताओ. कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे. गुड इवनिंग विनी नंदन जी. चलो ग्रेट, आज हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं माई डियर फ्रेंड्स, कि अपने को जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है उसमें नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए और क्या हमारी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत बेहतर तरीके से निकल सकता है. ठीक है, तो नोट्स मेकिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है. देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जिसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, हमें एक सही स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है. हमें एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही प्लान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आज हम जिसको यहाँ पे समझना चाह रहे हैं. आप कहोगे सर इसमें से कुछ बातें जो मैं बताऊंगा वो रिपीटेटिव होंगी, जो शायद मैंने किसी और लेक्चर में भी आपको समझाई होंगी, बट उनका रिपीटेटिव होने का कारण ही यही है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको उनको बार बार बताना चाहता हूं कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द ओनली वे टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो मैंने आपको ये समझाया था कि चाहे IAS की तैयारी हो, PCS के किसी एग्जाम की तैयारी हो या जुडिशरी की तैयारी हो, उसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है. ठीक है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमें उस दिन, जिस दिन हम एग्जाम दे रहे हैं उस दिन हमने उसको एग्जीक्यूट करना है. तो जब बहुत सारी नॉलेज को आपको 3 घंटे में 2 घंटे में या 1 घंटे में एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है. और वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी आती है प्रॉपर नोट्स के थ्रू.
देखो मैंने आपको समझाया था कि आप अगर कोई भी टॉपिक मेरे से पढ़ते हो, जैसे अभी आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल पढ़ा रहा था एमपीसीजे के बैच में, और सुबह सीपीसी में मैं कुछ समन्स वगैरह पढ़ा रहा था। तो जब आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको लगता है, जैसे कल मैं केशव नंदा भारती पढ़ाऊंगा, तो सर आपको लगेगा कि सर आपने बिल्कुल ही अच्छा पढ़ा दिया, सब कुछ समझ में आ गया। नाउ वी फील लाइक कि किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक इस टॉपिक पे हम कभी भी नहीं करेंगे। बट अगर उस समय आपने उस टॉपिक के, जिस भी समय आपने जो भी टॉपिक समझा है, उस टॉपिक के अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए और उन नोट्स को बाद में रिवाइज नहीं किया, तो ह्यूमन माइंड का जो फंक्शनिंग है वो ऐसा है कि अगर 2-3 महीने बाद भी, 2 महीने तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, उससे कम में भी, 2 महीने से कम में भी, 1-1.5 महीने बाद भी आप उस चीज को देखोगे और आपने अगर उसको रिवाइज नहीं किया है, प्रॉपरली लिखा नहीं हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। और ऐसा बहुत सारे सारे सब्जेक्ट्स में होगा, और सारे इतने सारे टॉपिक्स हैं कि वो सारे जंबल अप हो जाएंगे और आप उसको सही तरीके से अपने एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ लोगों की मैं ये कह सकता हूं कि उनकी फोटोजेनिक मेमोरी होती है कि वो एक बार चीज सुन लेते तो उनको याद रहती है, बट उनको भी सारी चीजें नहीं याद रहेंगी। तो हर एक स्टूडेंट को अपने नोट्स मेकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है इफ यू वॉन्ट टू क्लियर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। अभी क्या, जैसे मैंने कोई भी लेक्चर लिया, कोई भी टॉपिक समझाया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और आपने क्या किया, उसको पॉइंटर नोट्स, डिटेल नोट्स, जिस तरह के भी आप नोट्स बनाते हो, उसमें अगर आपने उसको लिख लिया, तो बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी आप उस टॉपिक को अगर दोबारा पढ़ते हो, तो वो पूरा जो क्लास होता है ना, वो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाता है। और जब आप पेपर देने जाते हो और उसको मल्टीपल बार रिवाइज कर चुके होते हो, तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। मतलब मेरे कुछ लर्नर्स हैं जो बोलते हैं, सर इतना रहा रिवाइज कर लिया आपका पढ़ाया हुआ, कि अब मुझे को लगता है कि सर आप वहां पे डिक्टेट ही कर रहे हो, या वहां पे बोल रहे हो, या मैं उन्हीं वर्ड्स में लिख रहा हूं चीजें। तो दैट इज बिकॉज यू हैव मास्टर्ड दैट आर्ट। ठीक है, तो अपन इस नोट्स मेकिंग की आर्ट को समझेंगे। तो पहली चीज तो होती है, एक अपने होते हैं डिटेल्ड नोट्स। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि दो फेजेस में नोट्स होते हैं, एक होते हैं आपके डिटेल्ड नोट्स और एक होते हैं आपके सिनॉप्सिस नोट्स। सिनॉप्सिस नोट्स अगर हम हायरार्की बनाएं तो ये होंगी क्लासेस, या जो बुक्स रेफर कर रहे हैं उनके लिए बुक्स होंगी। क्लासेस और बुक्स से जितना भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जितनी भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको हम एक डिटेल्ड नोट्स के फॉर्मूले में बना के रखते हैं, ताकि जब भी हम उसको रिवाइज करें तो हमें सारी चीजें, पूरी क्लास जो है एज इट इज रिवाइज हो जाए। और उसके बाद इन डिटेल नोट्स को हम सिनॉप्सिस नोट्स में बनाते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट और पॉइंटर वाइज नोट्स होते हैं। मतलब एक टॉपिक के नोट्स आपके आधे पेज में आ जाएंगे या 5 से 10 पॉइंट्स में आ जाएंगे, और उन सिनॉप्सिस नोट्स को आप बिल्कुल अक्षरतः रट लोगे, और जब आप अपने आंसर लिखने जाओगे तो इन सिनॉप्सिस की मदद से आप जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का 10 नंबर का 20 नंबर का, उसमें आप इसको, इस सिनॉप्सिस को इलैबोरेट करके लिखोगे। तो इस सिनॉप्सिस में आपने जितने भी एसेंशियल्स थे, जितने भी केस लॉस थे, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स थे, उनको आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये होती है नोट्स की एक, अगर हम कहें एक ब्रॉड स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना कैसे है। ये मैं आपको बेसिक ये बात समझा रहा हूं कि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बट आपको कैसे करना है। देखो दो तरह के नोट्स होते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 6 महीने 8 महीने से, जितने भी टाइम से आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करो, जब भी कोई भी क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, या किसी भी बुक से पढ़ते हो, मेरी क्लासेस अटेंड करते हो, तो मैं तो आपको डिटेल नोट्स देता ही हूं। हर टॉपिक के डिटेल नोट, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है उसका मैंने जितना भी मटेरियल होता है वो सारा दिया है। बट अगर आप मेरी क्लासेस नहीं भी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से भी पढ़ रहे हो, किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि कोई भी क्लास करते हो आप यूट्यूब पे, कहीं पे भी, उसके डिटेल्ड नोट्स बनाओ। जब इसके आप डिटेल्ड नोट्स बनाओगे, तो उस क्लास में जो कुछ हुआ है उसको आपने कहीं ना कहीं अपने पास अपनी राइटिंग में लिख के रख लिया, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको रिवाइज कर सकते हो और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरे बच्चों मेरी बात समझो। अभी क्या होता है, जैसे एक टॉपिक आपने सोचा मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसा आपको लगेगा,
बट एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा मैंने सब कुछ इसका मुझे अच्छे से ध्यान है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो आपके पास 12-15 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो हर टॉपिक के सारे एसेंशियल्स याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पूरा प्रॉब्लम कहां आ रहा है इसको समझो, पूरा प्रॉब्लम कहां आ रहा है, पूरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर आज मैंने प्रीएम्बल समझा, आज मैंने सर आपने जितनी भी प्रीएम्बल के बारे में 10 पॉइंट्स बताए वो 10 पॉइंट मेरे को याद हो गए, कल मैंने आपको स्टेट पढ़ाया, परसों मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ाया, फिर मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया, फिर मैंने यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर जुडिशरी पढ़ाया आपको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक महीने तक आपको ये सारे पॉइंटर्स याद हो, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सीपीसी पढ़ोगे, सीआरपीसी पढ़ोगे, एविडेंस पढ़ोगे, सारे लॉस पढ़ोगे, और उसके बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो आज जो आपने प्रीएम्बल पढ़ा था उसमें जो 10 पॉइंट पढ़े थे उसमें से 2 ही याद रहेंगे, उसमें से 2 ही याद रहेंगे, और पूरा का पूरा कोर्स एक महीने में या 10 दिन पहले आपको पूरा रिवाइज करना इंपॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हो देवेश सर की वीडियो 2x पे देख लेंगे लास्ट के एक महीने में, तो भी आपको सारी चीजें नहीं याद रहेंगी, तो भी आपको सारी चीजें नहीं याद रहेंगी। तो व्हाट यू हैव टू फोकस इज कि कुछ भी पढ़ रहे हो, मेरी बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो और उसके नोट्स नहीं बना रहे हो और उसको नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये अगर तीनों प्रक्रिया नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो क्लास देखना आपका टाइम वेस्टेज है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरी भी क्लास मत देखो अगर आप ये तीनों चीजें नहीं कर पा रहे हो। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कोई भी क्लास अपन ने करी, कोई भी बुक पढ़ी, कोई भी चैप्टर किसी भी एजुकेटर का पढ़ा, तो हमने उस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स बनाए, जो भी डिटेल में समझाया गया उस डिटेल नोट्स को बनाया, उसके बाद इन डिटेल नोट्स को बार बार रिवाइज किया। देखो एक चीज जब आप मुझसे पढ़ोगे इमीडिएटली आपको लगेगा कि आपको याद है, बट मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि ह्यूमन माइंड का साइंटिफिकली प्रूवन एक तरीका है चीजों को एब्जॉर्व करने का और चीजों को लंबे समय तक याद रखने का। अगर आपने कोई चीज आज मुझसे पढ़ी तो आपको बहुत ही क्लियरली वो समझ में आएगी। मैंने यूट्यूब पे आर्बिट्रेशन पढ़ाया, कमर्शियल कोड्स एक्ट पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, जब आपने उसको सुना तब आपको याद रहेगी। अगर आपने विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स उसको एक बार रिवाइज कर लिया और विद इन द नेक्स्ट 24 मतलब 48 आवर्स फ्रॉम द लेक्चर उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, कहने का मतलब विद इन 48 आवर्स ऑफ रीडिंग समथिंग यू हैव रिवाइज्ड दैट कंसेप्ट ट्वाइस, तो वो आपको किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक याद रहेगा, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर आपने सिर्फ एक बार उसको सुना तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन इक्वल एक और पॉसिबिलिटी है कि 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीने बाद अगर आपसे वो बात पूछी जाए तो आप क्लूलेस हो गए कि आपने ये बात सुनी भी थी या नहीं। तो लोग मुझसे बोलते हैं सर मुझे याद नहीं रहता है, लोग कहते हैं सर मुझे मैं प्रोविजंस नहीं याद रहते, केस लॉ नहीं याद रहते, ये नहीं याद रहता, वो नहीं याद रहता। अरे भैया याद करने का एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे देन टू रिमेंबर थिंग्स and that is revision, that is revision, revision, revision. अगर मैं कहूं कि तीन चीजें जिससे आप, तीन तरीके जिससे आप सारी चीजें, सारे लॉ की चीजें याद कर सकते हो, तो वो तीन चीजें क्या है? रिविजन, रिविजन और रिविजन। जितना रिवाइज करोगे उतना वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? तो पहली चीज आपको ये करनी है कि सर आप कोई भी क्लास करते हो, कोई भी बुक्स करते हो, उसके डिटेल नोट्स बनाओ। डिटेल नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को रिवाइज करो, उन नोट्स को रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लमैटिक है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपने 15 दिन पढ़ाई करी, आपने 15 दिन मेरे से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, सीपीसी, सीआरबीसी, एविडेंस, टीपीए, कुछ भी पढ़ा आपने मुझसे, उसके बाद क्या हुआ, घर में कोई शादी आ गई या भगवान ना करे आप बीमार पड़ गए या आपको किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ गया, अब आप 10 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है? कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ प्रॉब्लम आती है। लेकिन 11वें दिन जब आप पढ़ने बैठोगे, 11वें दिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मैंने जितनी भी पुरानी पढ़ाई करी है उसको मैं कॉन्सोलिडेट कर लूं, उसको मैं रिवाइज कर लूं, तभी नई चीज पढ़ूं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता, एक चीज हम पढ़ रहे हैं हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, फिर जरा सा कुछ भी हुआ, 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाई, या पीछे का बैकलॉग ज्यादा रह गया, तो अपन क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, फट से कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं या कोई और चीज उठा लेते हैं जो हमें मोमेंटरी एंथुसियाज्म देती है कि चलो अब ये पढ़ेंगे। उस चक्कर में हम ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारा पुराना एफर्ट था, जो हमने बहुत सारे एफर्ट डाल के किसी चीज को समझा था, वो पूरी पूरी मेहनत पानी में डूब गई। मतलब आपने आज मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा,
50% कॉन्स्टिट्यूशन आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दिया, सीआरपीसी पढ़ने लगे, उसके बाद सीपीसी, एविडेंस एक्ट, सब कुछ पढ़ने लगे। लेकिन व्हाट हैपेंस इज आफ्टर सिक्स मंथ्स यू रियलाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन तो सर जीरो से पढ़ना है। तो मुझे ये बताओ कि वो जो 50% तुमने अटेंड किया था, 20 लेक्चर अटेंड किए थे तुमने, जो 20 घंटे इन्वेस्ट किए थे, उसका क्या? वो खत्म हो चुके हैं, वो जीरो हो चुके हैं। सो द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो आ रही है जुडिशियल एस्पिरेंट्स को, वो यही आ रही है कि सर हम स्विच कर जाते हैं जहां हमारा कहीं और, जहां जहां थोड़ा सा इसमें प्रेशर ज्यादा आने लगा, या हम थोड़ा सा बैकलॉग हो गया, या हम पढ़ नहीं पाए, तो हमारा मोटिवेशन इस पे खत्म हो जाता है और हम तुरंत स्विच कर जाते हैं किसी और चीज पे। तो प्लीज बच्चों, तुम जजेस बनना चाहते हो, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, ये चीज कभी मत करना। आप 10 दिन नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, 11वें दिन आप पढ़ने बैठो तो 10 दिन पहले जो चीज पढ़ रहे थे उसको अच्छे से रिवाइज करो, और जब तक वो कंप्लीटली आपके दिमाग में रिफ्रेश ना हो जाए तब तक कुछ नया पढ़ना पाप है। इसको अपने जीवन का ध्येय बना लो, ठीक है? तो सर अपन ने कुछ नहीं किया, क्लासेस अटेंड करी, बुक से पढ़ाई करी और उसके डिटेल नोट्स बनाए, उन डिटेल नोट्स का डेली रिविजन किया। डेली रिविजन में बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं क्या होता है, बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मैं अभी सीपीसी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो सुबह वाले बैच में, सारथी बैच में, मैं प्लस में सीपीसी पढ़ा रहा हूँ, 11 बजे हमारी क्लास होती है। तो हमने सीपीसी पढ़ा, आज सर ने क्या पढ़ाया, आज सर ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ाया, उसके पहले सर ने जितना भी पढ़ाया, ऑर्डर टू रूल टू पढ़ाया, उसके पहले ऑर्डर वन पढ़ाया, जॉइंडर ऑफ पार्टी, नेसेसरी पार्टी, रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, फॉरेन जजमेंट, वो सब पढ़ाया। मेरे को ये करना है कि कल जब सब समन्स पढ़ाने जा रहे हैं तो मुझे एक चीज करनी है कि मैं समन्स का जो लेक्चर है कल सुबह 11 बजे वो तभी अटेंड करूंगा जब मैंने पूरा रिवाइज कर लिया होगा, और मुझे डेली रिवाइज करना ही है। इसका ये मतलब है कि हाइपोथेटिकली अगर अपन ने आज रेस जुडिकाटा पढ़ा, कल मुझे फॉरेन जजमेंट पढ़ना है, तो अगर मुझे फॉरेन जजमेंट पढ़ना है तो फॉरेन जजमेंट के पहले मैंने रेस जुडिकाटा रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैंने फॉरेन जजमेंट पढ़ा, मान लीजिए उसके बाद अपन ने ट्रांसफर ऑफ सूट्स पढ़ा। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ सूट पढ़ने जा रहे हैं तो हम वापस से रेस जुडिकाटा और फॉरेन जजमेंट रिवाइज करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सूट पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ सूट के बाद मान लीजिए ऑर्डर वन पढ़ाया गया, तो जब हम ऑर्डर वन पढ़ने जा रहे हैं तो हम ट्रांसफर ऑफ सूट भी रिवाइज करेंगे एक बार, फॉरेन जजमेंट भी करेंगे, रेस जुडिकाटा भी करेंगे, उसके बाद ऑर्डर टू रूल टू करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा कुछ भी आ गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स आ गया। तो जब हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें एक एक बार रिवाइज करनी है। तो इससे क्या होगा, मैं तुमको बताता हूं इससे होगा क्या। आपको सर रोज इतना रिवाइज करेंगे, टाइम बहुत कम होता चला जाएगा। पहले दिन रेस जुडिकाटा पढ़ने में आपको 15 मिनट लगे, दूसरे दिन आपको 10 मिनट लगेंगे, और उसके बाद डेली आपको 5 मिनट लगेंगे सिर्फ उसको पढ़ने में, और फिर ये कंटिन्यूअस 5 ही मिनट हमेशा लगेगा। अब समझो, जब तक मान लो हमने 40 क्लासेस ली सीपीसी की, तो 40 क्लासेस जब मैंने सीपीसी की आपकी ली तो आपने सीपीसी इसको, ये जो रेस जुडिकाटा है वो आपका 40 बार रिवाइज हो गया, ये 39 times, ये 38 times, लगभग इतनी बार रिवाइज हो गया। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन सीपीसी इज ओवर, जिस दिन मैं ये अनाउंस करता हूं कि सर आज सीपीसी का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, उस दिन आप देखोगे कि आपको पूरी सीपीसी ऑटोमेटिकली रट चुकी है। मतलब कुछ भी मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप मुझसे बेहतर तरीके से बता दोगे कि सर रेस जुडिकाटा में आपने ये 10 पॉइंट्स बताए थे, एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर ये, चार नंबर ये, आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप परपेचुअल रिविजन करते रहोगे, और अगर आप परपेचुअल रिविजन नहीं करोगे तो वही प्रॉब्लम आएगी कि जब सर लास्ट में गवर्नमेंट सूट और बाकी चीजें पढ़ा रहे होंगे, केवीएट वगैरह, गार्निशी ऑर्डर, तब आपसे अगर मैं पूछ लूंगा कि रेस जुडिकाटा के बेसिक प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन एट क्या है, बाकी चीजें क्या है, तो आप एक बार घूम जाओ। लेकिन जिस दिन मैंने रेस जुडिकाटा पढ़ाया था उस दिन आपको बहुत अच्छे से याद था, जिस दिन मैं फॉरेन जजमेंट पढ़ा रहा था उस दिन भी आपको रेस जुडिकाटा बहुत अच्छे से याद था, जिस दिन मैं ट्रांसफर ऑफ सूट पढ़ा रहा था उस दिन भी आपको रेस जुडिकाटा बहुत अच्छे से याद था। उसके बाद क्या हुआ, रेस जुडिकाटा धूमिल होता चला गया और यहां पे आके स्मोक बन के उड़ गया। तो क्या फायदा हुआ आपकी पढ़ाई का, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की अप्रोच ही है सिर्फ जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशियल ऑफिसर बनाएगी, और जिस भी अटेम्प्ट में आप बनना चाहते हो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। गॉट इट? कैन आई हियर अ यस और नो?
दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे. सो बाय द टाइम वी विल बी डन विद सीपीसी, जिस दिन मैं बोलूंगा सीपीसी कंप्लीट हो गया है, उस दिन आप देखोगे कि आपको सारे प्रोविजंस रट चुके हैं कंप्लीटली. और जब आपको वो सारे प्रोविजन रट चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिटेल्ड नोट्स, ये डिटेल नोट्स का ही तो आप रिविजन कर रहे हो ना, इन डिटेल नोट्स का ही तो रिविजन कर रहे हो डेली. तो ये जो डिटेल नोट्स हैं ये आपको रट चुके हैं, आपको पता है आपकी कॉपी में क्या क्या लिखा है. और जब आपको ये पता है कि आपकी कॉपी में क्या क्या लिखा है, तो हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे जो कि होगी सिनॉप्सिस नोट्स, जो कि होगी सिनॉप्सिस नोट्स. अब आपने जब इसको 40 बार रिवाइज कर लिया, मेरे प्यारे बच्चों, आपके डिटेल नोट्स इतने ज्यादा क्लियर हो चुके हैं कि आपको पता है आपकी कॉपी में कौन से पॉइंट लिखे हैं और क्या चीजें लिखी हैं. उसके बाद आप मूव करेंगे सिनॉप्सिस नोट्स पे. सिनॉप्सिस नोट्स का मतलब होगा बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स. आपने सीधा लिखा फॉरेन जजमेंट, इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट में याद रखने, उसमें भी छोटे छोटे कीवर्ड्स, एक एक वर्ड के कीवर्ड्स, और ऐसे करके आपको कोशिश करना है कि सीपीसी के जितने भी पूरा नोट्स है वो आपके 15 से 20 पन्ने में हो जाए. अब ये जो 15 से 20 पन्ने हैं, ये क्या है कि इस डिटेल्ड नोट्स का पूरा सिनॉप्सिस है. और ये डिटेल नोट्स क्या है, ये आपके क्लास और आपकी बुक के सिनॉप्सिस है. ये जो डिटेल नोट्स है ये आपके क्लास और बुक के सिनॉप्सिस है, और ये जो सिनॉप्सिस नोट्स है ये आपके डिटेल नोट्स के सिनॉप्सिस है. तो अब क्या होगा कि ये जो छोटा सा चार्ट आपने बनाया है, इसके थ्रू आप इस पूरी क्लास को या बुक की अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो. और उसके बाद ये जो 20 पन्ने के नोट्स होंगे, ये आप किसी भी एग्जाम से पहले, मैं कह रहा हूं कि आपको अगर 15 दिन मिलते हैं, अनाउंस हो जाता है 15 दिन में एग्जाम है, ज्यादा दिन मिलेंगे डेफिनेटली मिलेंगे, बट कई बार ऐसा हो जाता है प्रिय होने के बाद, यूपी में पिछली बार हुआ था जब 600 वैकेंसी आई थी, कि कुछ 30 दिन दिए थे, 28 या 30 दिन दिए थे, तब आप देखोगे कि आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए मुश्किल से 5 घंटा चाहिए. 5 घंटे में आप उस पूरे सब्जेक्ट को इतने क्लैरिटी के विजन के साथ इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपसे कोई भी मेंस का क्वेश्चन, कोई भी प्री का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसमें ना सोचना पड़ेगा, ना आपका कोई भी एसेंशियल छूटेगा, ना कोई भी पॉइंट छूटेगा, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे. एंड दिस इज द ओनली वे, ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप रियलाइज करोगे आज नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या जहां पे भी होगे, आप इस बात को रियलाइज करोगे कि जुडिशरी निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है. क्योंकि होगा क्या ना, प्रॉब्लम क्या है, आपने यहां पे सब कुछ पढ़ लिया, सब रिवाइज कर लिया, लेकिन अगर सिनॉप्सिस नहीं है तो 100% ये चांस है कि किस हर क्वेश्चन में आप 2-4 एसेंशियल्स तो भूल ही जाओगे. और अगर ये सिनॉप्सिस बने हुए हैं तो ये आपको रट जाएंगे. इनको भी आपको बहुत बार रिवाइज करना होगा शुरुआत में जब आप इनको बना रहे हो, और उसके बाद ये बिल्कुल छप जाएंगे. और जब ये छप जाएंगे तो इनको आप सीधा छाप सकते हो और आपके पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिटेल नोट्स बनाइए सर, उसका रिविजन करते चलिए, जब रिविजन हो जाए उसके बाद सिनॉप्सिस नोट्स बनाइए. आप कहोगे सर इस तरह के आप एनालॉजी पहले भी बता चुके हो, बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं और दोबारा इसको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके उसकी आदत डालो. आप सोचो सर कोई शॉर्टकट होगा इसका, तो मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं है. मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में शॉर्टकट ढूंढ चुका हूं, मुझे शॉर्टकट नहीं मिला, मेरा टाइम निकल गया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. एंड दिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट को. ठीक है, तो ये तो एक रेगुलर तैयारी हो गई. एक छोटी सी चीज और बतानी है, 10 मिनट में लेक्चर खत्म करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना. तो दिस इज व्हाट इज द डिटेल्ड सिनॉप्सिस नोट्स और नोट्स कैसे बनने हैं. ठीक है, उस पर भी आऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है. एक तो पहले ये जान लो यार कि कल 23 मार्च 8:30 बजे आप सबको आना है, मेरी तरफ से इन्विटेशन है. कल 23 मार्च है, मेरा 1 साल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पूरा हो रहा है. लास्ट ईयर 23 मार्च को आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन दिस चैनल एंड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. सो टुमारो आई एम कंप्लीटिंग 1 ईयर. तो कल मैंने केशव नंदा भारती श्री पदवल गुरु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पे एक धुआंधार लेक्चर पक्का है. अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, लॉयर हैं, कुछ भी हैं, आपको ये पढ़ के मजा आ जाएगा. उसके बाद आप
लोगों को ढूंढोगे कि आजा भाई तेरे को केशव नंदा भारती समझा देते हैं, इतना ज्यादा मजा आएगा इस लेक्चर में। तो कल इसको अटेंड करना रात को 8:30 बजे इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, कल 8:30 बजे, ठीक है। चल अब एक चीज और, ये तो हो गए सर डिटेल नोट्स जो आपको अपनी तैयारी में बनाने हैं, जनरली हम फाउंडेशन बैच में इसको बनवाते हैं। अब एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो, जब भी आपका कोई प्रीलिम्स एग्जाम आता है, जब भी आपका कोई प्रीलिम्स एग्जाम नोटिफाई होता है, प्रीलिम्स एग्जाम नोटिफाई होता है, देखो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि यार ये जो है ऊपर मैंने बताया, ये एक आइडियल तरीका है, ये एक आइडियल तरीका है जो लोगों को आइडियली करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है सर 2 महीने में एग्जाम है, अब डिटेल नोट्स रिवीजन सिनॉप्सिस बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए फिर हम शॉर्टकट्स को रिजॉर्ट करते हैं और अलग अलग यही मिलेंगे सर। माइंड मैपिंग नोट्स कैसे, वही तो बता रहा हूं विद्या जी, मैंने बहुत बार क्लासेस कुछ कुछ लिए हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले मेरी बात सुन लो कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर 2-3 महीने में एग्जाम है अभी उसको कैसे करें। तो उसमें मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास क्लास या बुक्स का एक्सेस है, अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हो, आपके पास क्लास का एक्सेस है या आप कहीं से भी चीजें कर रहे हो, तो आप अगर 1-2 महीने में एग्जाम निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट सिनॉप्सिस नोट्स बनाओ, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे पॉइंटर नोट्स बनाओ, वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितने आपके डिटेल्ड नोट्स से सिनॉप्सिस बनेगा, बट इतने होंगे कि आपका प्री निकल जाएगा और उसके बाद जो आपका टाइम होगा उसमें आप इस सिनॉप्सिस नोट्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो मैं ये उनको समझाता हूँ जिनको 2-3 महीने में एग्जाम निकालना होता है, जिनके पास 6 महीने का समय भी है या उससे ज्यादा है, उनको तो यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करना चाहिए और इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। अब एक और चीज होती है कि सर जैसे हम तैयारी कर रहे थे, हम नोट्स वगैरह बना रहे थे, लेकिन एकदम से कोई एग्जाम आ गया और अब हमारे पास 2 महीने हैं प्री के एग्जाम के, तो 2 महीने जब आपके प्री के एग्जाम के लिए होते हैं, तो अगर आपको वही एग्जाम देना है और आपके पास और ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपन अपनी जो ऊपर वाली अप्रोच है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और हम क्या करते हैं कि 1-liner नोट्स बनाते हैं। थैंक यू दीपाली जी। तो अभी क्या है कि अपन क्या करते हैं, जब हमारे पास 2 महीना रहता है किसी भी प्रीलिम्स का, तो हम थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करते हैं और जो सिनॉप्सिस नोट्स है हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं और अपने डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाते हैं। और इसमें तरीका यह होता है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी आज एमपीसीजे के बैच में यही बात समझा रहा था कि जैसे अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्रैश कोर्स के तरीके से जैसे आज प्रीएम्बल पढ़ाया और थोड़ा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ाया। तो मैंने कहा देखो प्यारे बच्चों कि हमने एक टॉपिक आज पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक हिस्ट्री क्या होती है और जो हमारे प्रीएम्बल की बातें हैं वो होती हैं। अब हमने ये चीज जब आज पढ़ी तो हमारा काम ये है कि हम घर जाके इन दोनों टॉपिक्स के जो है वो एमसीक्यू लगाएं, और जब हम एमसीक्यू लगा रहे हैं तो उसमें जितनी भी चीजें हैं जो हमें लग रहा है कि हमें नहीं आती हैं या लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इसके रिविजन की आवश्यकता है, उसको ही हमने अपने इन नोट्स के आगे बना लिया। मतलब जैसे मैंने आज आपको क्रैश कोर्स, हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है एनपीसीजे का, ठीक है, तो अभी गुजरात की तैयारी कराते हैं, गुजरात की तैयारी स्पेसिफिकली नहीं कराते हैं दीपाली जी, अभी मैं बताता हूं गुजरात के लिए। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपका 2 महीना बचता है किसी भी एग्जाम के लिए, आप किसी भी क्रैश कोर्स में एनरोल होते हो या कोई भी आप 1-liner सीरीज देखते हो या कोई भी आप फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस देखते हो, तो उसका तरीका क्या होता है करने का मैं ये बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है कि जो भी क्रैश कोर्स अटेम्प्ट कर रहे हो या जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से अपनी तैयारी कर रहे हो या सिर्फ बेयर एक्ट ही पढ़ रहे हो, तो उससे क्या करो, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके 1-liners बना लो, 1-liners खुद के बना लो तैयारी के, और उसके बाद एक एक दो दो टॉपिक, 3-3 टॉपिक एक दिन में पढ़ो, भले बेयर एक्ट से ही पढ़ो, अगर तुम्हारे पास कोई कोचिंग लेने का वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ो और बेयर एक्ट से पढ़ने के बाद उसके 1-liner नोट्स बना लो, उसको अंडरस्टैंड कर लो और उसके बाद एमसीक्यू पे जाओ, एमसीक्यू लगाओ। जब तुमने 50 एमसीक्यू लगाए तो उसमें तुमने देखा कि 10 एमसीक्यू ऐसे हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आए थे अच्छे से, या तुम्हें याद नहीं रहते, या तुम्हें लगता है कि तुम आगे भूल जाओगे, अभी तुमने सिर्फ तुक्का लगाया। तो अपने 1-liners के आगे जो जो टॉपिक था उसके आगे आप वो 10-10 क्वेश्चंस ऐड करते जाओ, तो बाय द टाइम यू हैव कंप्लीटेड दैट सब्जेक्ट, तो आपका एक ऐसा लेजर टाइप का बन जाएगा जिसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी,
और आप बिंदास उसको रिवाइज कर सकते हो अपने प्री के पहले, प्री के एक हफ्ते पहले आप सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो और फिर आप अपना एग्जाम देने जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वन लाइनर्स आपने खुद से प्रिपेयर किए और जो एमसीक्यू डिफिकल्ट की आपने लिस्ट प्रिपेयर की, इस कॉपी को कभी फेंकना नहीं है। जैसे आपने अभी डीजीएस का एग्जाम दिया, आपने एक वन लाइनर तैयार किया, बढ़िया सा तैयार किया आपने ही किया, आपका फिर भी भगवान ना करे लेकिन नहीं हुआ, अब आपका एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद एमपी का एग्जाम है, तो आपने फट से अपनी ये वाली कॉपी निकाली और इसी में और इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया, आपने इसमें और इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया, एक और किताब उठाई एमसीक्यू की, जितने एमसीक्यू आपसे नहीं बन रहे हैं वो सारे आपने इसमें ऐड करना शुरू कर दिया, कोई और लेक्चर सीरीज देखी आपने तो इसमें भी आपने कुछ कुछ और ऐड करना शुरू कर दिया। जब आपने इसमें ऐड करना शुरू कर दिया और आप ये प्रैक्टिस दो एग्जाम कर लो मैक्सिमम, कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि तीसरा एग्जाम ना निकले। हो सकता है पहला ही निकल जाए, मैक्सिमम चांसेस है दूसरा भी निकल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तीसरा एग्जाम अगर आपका नहीं निकले तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, बोलना सर आपने क्या खराब स्ट्रेटजी बताई, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन शर्त यह है कि ये करना, अगर ये नहीं करोगे तो फिर मुझे बोलोगे तो मैं सुनाऊंगा भी, लेकिन आइडिया ये है कि मैंने जैसे वन लाइनर्स प्रिपेयर किए बेयर एक्ट से सब कुछ से, और उसके बाद जो एमसीक्यू थे उनको भी वन लाइनर्स बना लिए, उसके भी वन लाइनर्स बना लिए और सारे सब्जेक्ट से बनाए और एक एग्जाम देने गया। अगर उस एग्जाम में मेरा बाई चांस नहीं हो पाया या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैंने उस वन लाइनर्स को ही अपने पास बैंक बना के रखा और नेक्स्ट एग्जाम में उसको और इंप्रोवाइज किया, नेक्स्ट एग्जाम में और मेहनत करी और उसमें और ऐड कर लिया। तो जो तीसरा एग्जाम है, बताओ तुम खुद सोच के बताओ अपने कॉमन सेंस में, ऐसा होगा क्या कि नहीं निकलेगा? वही क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के यार, हर सब्जेक्ट में हजार से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चंस, उसमें हजार में से 700-800 आपको याद ही होते हैं, 200-300 क्वेश्चंस होती है जिसकी पूरी लड़ाई है, जो नए होते हैं यूनिक होते हैं पीटी में टू बी प्रिसाइज। तो बताओ इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि कोई भी प्री तुम्हारा ना निकले? और अगर तुमने ये 2-3 बार कर लिया, 3-4 एग्जाम तक कर लिया आपने, उसके बाद तो साहब आप कोई भी पीटी देश का किसी भी स्टेट का जाके बस सिर्फ उसको ही रिवाइज करके दे आओ जाके, 100% निकल जाएगा, सवाल ही नहीं है नहीं निकलेगा। लेकिन मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना बच्चों की बात नहीं है। कहने का मतलब अगर आपको लगेगा कि बस आज तो स्ट्रैटेजी समझ गए, अब तो अहम ब्रह्मास्मि, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। दिस लुक्स सिंपल, आई हैव कंसेप्चुलाइज थिंग इन अ सिंपलर वे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ हार्डवर्क टू डू दिस, एंड हूएवर डज दैट ही हैज डेफिनेटली गॉट रिजल्ट्स। आई हैव इमीडिएट कॉन्टैक्ट ऑफ एटलीस्ट 10 जजेस, जो जज बने हर स्टेट में मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबने यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, एंड दिस इज द बेस्ट एंड द श्योर शॉट वे ऑफ गेटिंग अ सिलेक्शन। बताओ समझ में आई ये बात? अब बात आती है सर नोट्स का कंटेंट कहां से आएगा। तो यार कंटेंट के लिए मैं आपको यही 2-3 चीजें बोल सकता हूं कि हमारे अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस चलते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये एमपीसीजे का बैच चल रहा है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से, आपके प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से एमपीसीजे में। एक हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है जो सारथी बैच है, जो एक साल का बैच है जिसमें हम पूरा ही डिटेल्ड नोट्स देते हैं। मेरी जहां तक की क्लासेस की बात है तो मैं आपको इतने सारे नोट्स देता हूं कि उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट किसी भी बुक की आपको आवश्यकता नहीं। बट अगर आप कहीं से भी करते हो तो आप कहीं किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो तो वो जो भी बता रहे हैं उन चीजों को नोट डाउन करते रहो तो आपके नोट्स बनते रहेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, आपको ऐसा है कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप बेयर एक्ट पे फोकस करो, आप एके जैन की गाइड ले लो, मेंस की गाइड आती है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, या फिर टेक्स्ट बुक्स को रेफर कर सकते हो जो रेगुलर टेक्स्ट बुक्स होती हैं। टेक्स्ट बुक्स में प्रॉब्लम बस इतना है कि अपने को हर बार लगता है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि एग्जाम की क्या डिमांड है। और We being lawyers are very much curious to understand each and everything. जैसे अपने questions का अंत नहीं है, मैं कोई भी topic समझाऊं तो उसमें अगर मैं आपको पूरा छूट दे दूं कि जो तुम्हारे मन में आए वो पूछो तो तुम उसमें 100 सवाल बना सकते हो। लेकिन me being an educator who has followed judiciary since so long knows exactly कि क्या चीज आपके लिए relevant है और क्या चीज irrelevant है।
अपने को किसी भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करना। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि वी डोंट नीड टू नो ईच एंड एवरी थिंग अंडर द सन। We need to have a smart approach. We need to analyze the trend of questions. We need to analyze कि किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात होती है, आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बनोगे या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनोगे तो आपसे वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे जो आपके डोमेन में होंगे। आप देखोगे कि सीआरपीसी सीपीसी कहीं पे भी बात करो तो अपील के प्रावधान कम आते हैं, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन के बारे में कम पूछा जाता है। आप देखोगे जो आपके डोमेन की चीजें हैं वो ज्यादा, जो डे टू डे चीजें हो रही हैं कोर्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जब भी अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही, आप बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हो, सो जस्ट मेक श्योर कि वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप लिखो और बेयर एक्ट को फोकस करो। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, अगर आप हम लोग से पढ़ रहे हो तो हम पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नोट्स के साथ उन नोट्स को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको आज समझाया। उन नोट्स को इस तरीके से यूज करो और अपनी कॉपियां बना के रखो, हर सब्जेक्ट का एक मोटा रजिस्टर बना लो, उसमें सारी चीजें ऐड करते जाओ, थोड़ा लिखो। अगर लिखोगे तो तुम्हारी बेसिकली क्या होता है कि अपन जब पढ़ने बैठते हैं कोई चीज, अपन पढ़ते हैं तो अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर रहता है, लेकिन अगर उसके साथ में अपन लिख रहे हैं तो तुम देखोगे कि अपन डेढ़ दो घंटा लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं अगर वी आर राइटिंग विद इट। एंड जो चीज हम लिख रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके बाद जब एग्जाम आता है तब हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, फील लाइक सर मैंने एक बार सुन लिया अब मुझे हमेशा याद रहेगा। वो बहुत टाइम तक याद भी रहता है, लेकिन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि ह्यूमन माइंड केपेबल नहीं है हर चीज को एग्जैक्टली उस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी नीड दिस अप्रोच, दैट इज व्हाई वी नीड दिस अप्रोच। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, दिस इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू कन्वे। अब जिन लोग के स्पेसिफिक क्वेश्चन है दे कैन आस्क, आई एम रेडी टू आंसर। बाकी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्राइस हाइक इज कमिंग सून। ठीक है, प्राइस हाइक आने वाला है बहुत जल्दी। जुडिशरी के जो प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के, उनका प्राइस बढ़ने वाला है पीसीएसजे का। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का लेटली सोच रहे थे तो फटाफट से ले लो, यूज माय कोड DPJ10। देखो कोई भी एजुकेटर का कोड यूज करते हो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट जो बच्चे मेरा कोड यूज करते हैं DPJ10 उनको एक एडिशनल बेनिफिट है कि मैं उनको गाइड और मेंटर करता हूं। उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया और उस पर अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशंस देते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग माय कोड DPJ10 जिसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन प्लान 6 महीने के 27,500, 12 महीने का 37,813, 18 महीने का 46,406 और 24 महीने का 55,000 का। आइकॉनिक 6 महीने का 36,500 का है, 36,500 का है और 12 महीने का 55,813 का और 24 महीने का 91,000 का। तो आप देख सकते हो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो एक्सक्लूसिवली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे बारे में कोई भी जानकारी करनी है, बैच की जानकारी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपने सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज भी इस पे आप पूछ सकते हैं, इसमें जो भी फोन उठाएंगे वो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, अभी ये ऑफर चल रहा है दैट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 1 महीने का फ्री, 12 पे 2, 18 पे 3 और 24 महीने का लेने पे 4 महीने का फ्री। ठीक है, बताइए सर यू टोल्ड अबाउट रिवीजन, सर व्हाट आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट्स देन वंस इन हाउ मेनी डेज यू शुड रिवाइज। सो नम्रता जी ऐसा करिए ना, एक सब्जेक्ट आपने एक महीने पढ़ा तो आपने एक महीने तक तो उसको रोज रिवाइज किया, उसके बाद आप सेकंड सब्जेक्ट पे स्विच हुए। जब आपका सेकंड सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो वापस से फर्स्ट सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करो और उसके बाद अपने थर्ड सब्जेक्ट पे मूव करो, मेरा कहने का मतलब है अपन को पुराना काम जो है ना वो समेटते हुए चलना है, हिंदी भाषा में बोला जाए कि उसको अपने को साथ लेके चलना है कि वो नए, जैसे कहते हो ना कि अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना है, भले नए दोस्त बन जाए लेकिन पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना है। तो अपन क्या करते हैं, कैसे करते हो कि पहले आपके जो कॉलेज वाले दोस्त थे आप उनसे रोज बात करते थे, अब आप कहीं और कोचिंग में आ गए तो आपके नए दोस्त बन गए, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो अपने पुराने दोस्तों को संडे टू संडे फोन कर लेते हो या कहीं इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट पे रिप्लाई कर दिया कुछ है तो कनेक्ट बना हुआ है। तो वही काम यहाँ पे करना है, अपने पुराने दोस्तों से कनेक्ट बनाए रखना है, नए दोस्त बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। प्लस क्लासेस के बेनिफिट्स हैं लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस के बेनिफिट है। प्लस का अपग्रेडेड वर्जन आइकॉनिक है, दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं अनअकैडमी पे, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक में लाइव डाउट क्लियरिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, मेंस की चेक होके मिलती है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और स्पेशल क्लास एवरी डे बाई मी एंड अदर एजुकेटर्स, थैंक यू सो मच। और कल 8:30 बजे
केशव नंदा भारती श्रीपदवल गुरु, आना मजा आएगा। एक घंटे का समय निकाल लो कल, जरूर आना। इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल सेशन, दैट इज ऑल आई कैन से। तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, सारी मोह माया को छोड़ दो। एक कहानी याद आती है मुझे, एक किस्सा याद आता है, किस्सा नहीं एक मतलब कुछ रील्स ही था इंस्टाग्राम का जो मैंने देखा था और मैंने शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे। उसमें ये बोलता है कि हाइपोथेटिकली सोचो कि आपको रोज 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकली सोचो कि आपको डेली रोज 1 लाख रुपए मिलेंगे और आप उस 1 लाख रुपए को उसी दिन में आपको खर्च करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको फिर से 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पुराने दिन वाले जो पैसे हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, मतलब फॉर टुडे आई गेट 1 लाख रुपीज, आई हैव टू स्पेंड द मनी, बाय नाइट दे विल बी ओवर, टुमारो मॉर्निंग आई विल अगेन गेट 1 लाख रुपीज, ठीक है। दिस इज द मैट्रिक्स। नाउ इन दिस मैट्रिक्स व्हाट विल यू डू, दैट इज द क्वेश्चन। सो द आंसर टू दिस इज कि सर मैं पूरा ट्राई करूंगा कि कैसे भी करके दिन में 1 लाख रुपए खर्च करूं, कैसे भी करके दिन में 1 लाख रुपए खर्च करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कल ट्रांसफर नहीं होंगे तो वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये मेरे यूज के नहीं रहेंगे। तो उसने ये समझाया, उसने ये एनालॉजी दी, जो भी स्पीकर था उसने ये एनालॉजी दी कि सेम इज विद टाइम, बट वी नेवर रियलाइज दैट टाइम, टाइम का हम इस तरह से कदर नहीं करते हैं। इसी एग्जाम्पल में पैसे की जगह अगर हम टाइम लगा दें तो कभी हम उसको उस तरीके से नहीं सोचते कि हम जितना पढ़ सकते हैं उतना आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज का टाइम कल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कल हमें दोबारा टाइम मिलेगा, उसको भी हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी माइंडसेट रखो, थोड़ा मोटिवेशन रखो लाइफ में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डू ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं रात को। I hope this session was helpful. Thank you for your time. तो और इसको इसी तरीके से करो यार, that is the only way we can clear the exam in the first attempt. ठीक है, चलो. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you so much each and every one of you for sparing time and listening to me.